गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज का वीडियो सबसे मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है हमारे चैनल के ऊपर, जो कि मैं हमेशा पोल डालता हूँ तो आप लोग हमेशा बोलते हो कि मुझे जुड़ियो की वीडियो चाहिए। एंड अभी तो फेस्टिवल्स वगैरह आ रहे हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक सीरीज हम लोग चालू करें जिसमें हम लोग सब ब्रांड जैसे कि पहले करते थे एक्सप्लोर, तो एक्सप्लोर करते हैं। एंड इस बार मैं ओनली कलेक्शन नहीं तो मैं आप लोग को आउटफिट्स भी बना के दिखाने वाला हूँ, जो कि चिंतिंग रूम में जाके हम लोग देख सकते हैं। एंड अगर आपको कौन सा आउटफिट अच्छा लगता है तो उसकी अगर ऑनलाइन लिंक अवेलेबल है तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड ऐसे वीडियोस के लिए एंड पूरी सीरीज के लिए आप लोग रेडी हो जाओ। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जुड़ियो का कलेक्शन, एंड पार्ट वन में हम लोग पूरा कलेक्शन देखेंगे एंड सेकेंड पार्ट इसका मैं जो बनाऊंगा आपको वीडियो मिल ही जाएगा, तो उसमें हम लोग आउटफिट्स बनाएंगे उसी कलेक्शन में से, तो आपको वो भी वीडियो मिलेगा। तो चलो कलेक्शन देखते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइज ये जुड़ियो का जो स्टोर है ये लोकेटेड है कल्याण में, जो कि है मेट्रो मॉल के अंदर। सो ये ठाणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। अगर आपको इसका प्रॉपर एड्रेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो गाइज सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कलेक्शन पूरा देखना चालू करते हैं। जहाँ की ये शर्ट्स थे जो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, ये 499 रुपीज़ में थे। एंड जो रियल रिव्यू है वो मैं आप लोग को देने वाला हूँ। ये प्रिंटेड शर्ट्स बहुत ही लाइट वेट है लेकिन ये शर्ट्स मुझे अच्छे नहीं लगे पर्सनली। तो इसके बाद मैंने कुछ शॉर्ट्स की यहाँ पे क्वालिटी देखी जो कि बहुत अच्छी थी। ये 599 रुपीज़ की शॉर्ट्स थी और ये जो डेनिम में शॉर्ट है ये 699, एंड ये जो चीनोज है ये 799। तो चीनोज के अंदर भी यहाँ पे बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे, चीनोज की क्वालिटी बहुत मुझे अच्छी लगी। ये प्राइसिंग के अंदर काफ़ी अच्छे कलर्स यहाँ पे मिल रहे थे। एंड उसके बाद मैंने जो ये टी शर्ट्स देखे तो ये मुझे सबसे बढ़िया सेक्शन लगा। 399 रुपीज़ में जो टी शर्ट्स के आप लोग पैटर्न देख सकते हो, तो ये 3-4 तरह के जो टी शर्ट्स थे वो मुझे अच्छे। बाकी कुछ फॉर्मल शर्ट्स थे जो कि 799, 699, तो अलग अलग इनकी प्राइजेस थी एंड अलग अलग इसके पैटर्न भी थे। कुछ 699 के थे, कुछ 799 के थे एंड कुछ 299 रुपीज़ के थे जिसके अंदर सेल चल रहे। एंड जो मोस्टली व्हाइट में हम लोग फॉर्मल शर्ट देखते तो वो 799 रुपीज़ का था। तो गाइस मैंने पहले जो दिखाई वो 699 रुपीज़ की शॉर्ट पैंट थी एंड ये 499 की, तो दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन दोनों में आपको सब कलर्स मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो डार्क कलर्स भी है एंड लाइट कलर्स भी। तो ये ग्रे कलर डेनिम का जो शॉर्ट था ये 699 रुपीज़ का यहाँ पे था। एंड कुछ ट्रैक पैंट्स वगैरह देखी जो कि मुझे इतनी भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन इनके कलर बहुत वैरायटीज़ में आपको मिल जाएंगी जो कि 699 रुपीज़ में थे। बाकी यहाँ पे 999 की जीन्स थी, लेकिन ये एक सेक्शन था जहाँ पे 699 रुपीज़ में आपको इतने सारे कलर्स एंड अलग अलग टाइप की जीन्स मिलती है, जो कि 699 एकदम कॉमन एंड स्टार्टिंग प्राइस होती है हर एक जीन्स के लिए। लेकिन यहाँ पे जीन्स भी मिल जाएगी और 199 की कुछ टी शर्ट्स जो कि आप नॉर्मल डेली यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। थोड़ी बहुत यहाँ पे प्रिंट है जैसे कि आप अभी मेरे देख सकते हो। फिर ऑफिस वेयर के लिए जो हमें सबसे ज़्यादा नीड होती है ब्लैक एंड व्हाइट एंड स्काई ब्लू जैसे कि लाइट कलर्स, ये भी गाइस 699 और 799 की रेंज में आपको मिल जाएगी। जैसे कि ये भी आप कलर्स देख सकते हो जो कि ऑफिस वेयर के लिए बहुत सही है। एंड फॉर्मल शूज भी यहाँ पे 700 टू 800 के अराउंड आपको मिल जाएंगे, जिसमें कि ब्राउन एंड ब्लैक कलर जो कॉमन होता है वो तो आपको यहाँ पे मिल ही जाएगा। एंड कुछ फॉर्मल पैंट्स भी थी जो कि मैं अच्छे से यहाँ पे शूट नहीं कर पाया, लेकिन ये 799 रुपीज़ की थी एंड ग्रे एंड डार्क ग्रे कलर इसमें अवेलेबल था फिलहाल। तो उसके बाद मुझे कुछ ये सेक्शन दिखा जहाँ कि इतने बढ़िया खास कपड़े नहीं थे, लेकिन ये जो 599 का जो शर्ट था, एक ही शर्ट मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसके ऊपर भी टेक्स्ट शर्ट था एंड बाकी यहाँ पे जो नॉर्मल वेयर्स होते वही, एंड ऐसे कुछ शर्ट्स थे जो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। देन यहाँ पे ये लाइट वेट जो टी शर्ट्स एंड शर्ट थे ये 599 रुपीज़ के थे, जिसमें कि आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जा रहे थे। जैसे कि आप यहाँ पे अलग अलग जो डिसेंट बेसिक कलर है वो आप देख सकते हो, जिसमें ये ब्राउन वाला एक बढ़िया लग सकता है, लेकिन इसका आप वेयर करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। मैं सबके प्राइजेस आपको जानबूझ के बता रहा हूँ गाइस, क्योंकि आपको बाद में तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो ये 999 का डेनिम जैकेट था जो कि बहुत ज़्यादा वेट था इसका, एंड इसमें मुझे अलग एक कलर मिला जो कि आप ट्राई कर सकते हो। ब्लैक तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है एंड डेनिम कलर भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो ये आप ट्राई कर सकते हो। 999 रुपीज़ का ये भी है एंड इसका भी वेट काफ़ी था। देन यहाँ पे कुछ पोलो टी शर्ट्स थी जो कि ओनली 399 रुपीज़ में थी एंड इतने सारे कलर्स यहाँ पे अवेलेबल थे, जो कि जो बेसिक नॉर्मल कलर्स होते हैं सब कलर्स यहाँ पे अवेलेबल ही थे। देन ये भी एक डेनिम का शर्ट है जो कि 799 रुपीज़ का था, जिसको दो पॉकेट्स थी एंड ये व्हाइट कलर का शर्ट है, बस इसके ऊपर प्रिंटिंग है, तो ये 999 रुपीज़ का हो जाता है। एंड 799 में मैंने जो आपको पहले कलर्स दिखाए उसमें से ये सारे कलर्स है, लेकिन इसमें और एक कलर आप ऐड कर सकते हो। एंड कुछ जीपर्स यहाँ पे अवेलेबल थे जो कि 999 रुपीज़ के थे। सारी चीज़ें जो भी अच्छी लगती थी जो भी क्लासी है तो वो सारी 999 रुपीज़ की है। एंड थोड़ी बहुत ये बेसिक जो टी शर्ट्स है वो 399 रुपीज़ के, जिसके ऊपर थोड़ी बहुत प्रिंट है। ये फ्लैनल शॉर्ट है ये मुझे अच्छा लगा, लेकिन ये 999 रुपीज़ का है, आप इसके साथ जा सकते हो। इसके अंदर और एक कलर है, तो ये भी कलर है जिसके ऊपर जीप लगी है, तो ये जीप वाला तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था। और ये 399 रुपीज़ के कुछ टी शर्ट्स है जिसके ऊपर थोड़ी बहुत प्रिंट है,
कुछ इस तरफ की अलग अलग आपको प्रिंट यहाँ पे मिल जाएगी, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। तो ये कुछ शर्ट्स थे जिसको पॉकेट शर्ट्स थे, ये भी 999 रुपीज़ के थे। ये टाइडा टी शर्ट भी 399 रुपीज़ के। एंड ये जो जैकेट थे ये मुझे अच्छा लगा, लेकिन बहुत इसका कलर मुझे थोड़ा सा लाइट लगा, 999 का। तो ये भी आपको मिल रहा था। कुछ स्वेटशर्ट्स थे यहाँ पे जो कि 699 रुपीज़ में थे। कलर इसका मुझे अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल कलर्स लगे। साइजेस यहाँ पे सब आपको अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन ये जो जब भी हैंग किए थे तभी इसकी क्वालिटी मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी, पता नहीं क्यों। लेकिन 699 रुपीज़ में आप इसके साथ भी जा सकते हो, बहुत सारे आपको कलर्स यहाँ पे मिलते हैं। वॉश करने के टाइम पे इसका कलर निकल सकता है, तो थोड़ा आप ट्राई करिए कि आप डार्क कलर लो। एंड ये चेक शर्ट थे जो कि 699 रुपीज़ के। एंड बाकी आपको अभी जितना भी पसंद आ रहा है, जो भी अच्छा अच्छा लग रहा है, डेनिम के शर्ट्स हो गए, तो इसके बटन्स बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी बटन्स थे, लेकिन ये 999 रुपीज़ का था, जो कि ज़ुडियो का सबसे हाईएस्ट प्राइस है। एंड ये भी कलर आपको अच्छा नहीं लगने वाला, ये मुझे पता है, कोई कोई ये पहन सकता है। एंड ये क्रॉप में भी जैकेट था, तो ये 899 रुपीज़ का था। देन मैं इस तरफ गया जहाँ पे 299 रुपीज़ का सेल लगा था। एंड यहाँ पे मुझे बहुत सारा कलेक्शन दूर से तो दिखा, लेकिन जब मैं नज़दीक गया तभी ये कलेक्शन कुछ ऐसा था जो कि नॉर्मल लोग यूज़ नहीं करते, बहुत सारी फंकी चीज़ें थी। एंड जो सेल नहीं हुआ था, जो कि पुराने हो चुके थे, तो उनका यहाँ पे सेल लगा दिया था। एंड जो कि नॉर्मली लोग सिलेक्ट नहीं करते, जीन्स में भी कुछ कलर्स थे जो कि नॉर्मल कलर से जीन्स के, ये 799 रुपीज़ के, थोड़ी सी क्वालिटी की बढ़िया है जो कि मैंने पहले 699 से दिखाए थे। एंड कुछ यहाँ पे सैंडल्स वगैरह थे जो कि 199 रुपीज़ में थे। गाइस हम लोग पहले जो देख चुके 699 रुपीज़ के जो जीन्स, उससे भी और 799 से भी बढ़िया, तो ये क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी जो कि 999 रुपीज़ में थी। एंड इसमें आपको सारे कलर्स मिल जाएंगे, लाइट कलर, डार्क कलर, ब्लू में एंड ब्लैक में भी आपको मिल जाएगी, एंड ग्रे में भी आपको, प्लस ये स्काई ब्लू कलर में भी आपको ये जीन्स मिल जाएगी। इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। फिर इसके बाद मैं गया फुटवेयर्स की तरफ। तो गाइज़ ये 299 के जो स्नीकर्स थे ये बिल्कुल मत लेना, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा। एंड ये जो 999 रुपीज़ के शूज़ है, तो ये ऑरेंज वाले भी मुझे इतने खास नहीं लगे। बाकी कुछ फ्लिप फ्लॉप सैंडल्स वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है, जिसकी मुझे एग्जैक्ट प्राइस अभी याद नहीं आ रही। एंड कुछ सैंडल्स वगैरह, चप्पल्स वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो इनकी भी क्वालिटी मुझे इतनी खास नहीं लगी। बस काम चलाओ आप इसे पहन सकते हो, और रहेगी इसकी 399 या 499 अराउंड समथिंग। बट ये शूज़ 999 के थे, जो कि ज़ुडियो के सबसे फेमस शूज़ है। एंड ये भी शू अच्छे थे, ये भी 999 रुपीज़ के थे। फिर इसका सोल भी बहुत अच्छा था, एंड इसमें वाइट कलर्स भी अवेलेबल था, तो ये भी 999 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद जो 799 रुपीज़ का शू है, तो आप ये शू भी ट्राई कर सकते हो। देन सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद आया, ये 999 रुपीज़ का शू, स्नीकर आप इसे कह सकते हो, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया था। एंड ये जो थे ये 799 रुपीज़ के, बहुत सारे अलग अलग कलर्स में शू थे। एंड ये 599। सो गाइज आपको ये वीडियोस कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड कौन से ब्रांड के आपको वीडियो चाहिए, कौन से ब्रांड हम लोग एक्सप्लोर करें, तो वो सब भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड आपकी कुछ सजेशन हो तो वो भी। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए ऐसे ऐसे लाते रहूँगा, एंड शॉर्ट्स भी आपके लिए मैं बनाते रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।